गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एंड आई एम फ्रॉम SVPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, वो क्या था? नंबर्स एंड न्यूमरेशन। हमने नंबर्स और न्यूमरेशन के बारे में पढ़ा था। बच्चों, मैंने आपको सिखाए थे नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये क्या होते हैं? ये आपके नंबर्स ही होते हैं। इनके बारे में हमने स्टडी। बच्चों, नंबर्स में मैंने आपको 3 डिजिट नंबर सिखाए थे, यानी 3 डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 99 क्या था, ये 2 डिजिट नंबर थे। और अब मैंने अगर इसमें 1 ऐड कर दिया तो 100 बना, तो 100 क्या था? 100 3 डिजिट नंबर था। अब इसको हमने अंडरस्टैंड कैसे किया था? 1s, 10s, 100, ये हमारा हंड्रेड्स में नंबर था। नेक्स्ट हमने किया था काउंटिंग इन हंड्रेड्स, यानी हमने हंड्रेड्स में काउंटिंग कैसे करनी होती है वो हमने सीखा था। आगे देखिए, बिल्डिंग नंबर्स, यानी इन नंबर्स का, यानी हमने 3 डिजिट नंबर सीख लिए थे। इन 3 डिजिट नंबर का यूज़ करके हमें नंबर्स को बिल्ड कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए, लेट्स नाउ बिल्ड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। यानी हमें पहले तो क्या करना है, नंबर्स को बिल्ड करना है। नंबर्स को बिल्ड करने के बाद में हमें उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको सिखाया था, ये एक स्लाइड है। एक स्लाइड में कितने ब्लॉक्स होते हैं? ये टोटल 100 ब्लॉक्स होते हैं। तभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100 ब्लॉक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो। ये यहाँ क्यों ऐसे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 100 है। 100 या 100 एक ही बात होती है। एक स्लाइड में कितने ब्लॉक्स है? 100 ब्लॉक, तो हमने यहाँ लिखा 100। सेकेंड देखिए, यहाँ 3 स्लाइड्स है, छोटी स्लाइड है। अब एक स्लाइड में कितने ब्लॉक्स है? एक स्लाइड में 10 ब्लॉक्स है, तो 3 स्लाइड्स में कितने हो जाएंगे? 3 स्लाइड में 30 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है 3 टेंस। 3 टेंस का मतलब होता है, 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 30। तो आपका यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं? यहाँ छोटे छोटे 30 ब्लॉक्स हैं। यहाँ देखिए, 4 वंस, यानी 4 बार 1 आए हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 वंस हो गए। अब अगर आप इनको वर्ड्स में लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे? ये 100, ये 3, ये 4। अब इनकी पोजीशन देखिए, पोजीशन अगर आप समझ लोगे तो आपको नंबर्स को बिल्ड करना आसान हो जाएगा। यहाँ 4 की पोजीशन 1s में, यहाँ लिखा हुआ ना 1s, तो यहाँ 4 की पोजीशन 1s है। यहाँ 3 की पोजीशन 10s में, यहाँ लिखा, देखो बच्चों, लिखा हुआ है 10s। यहाँ 1 की पोजीशन क्या है? यहाँ 100s में, तो यहाँ 100। तो यहाँ आप ऐसे लिखोगे, देखिए, 100+30+4। अब अगर आप इनको वर्ड्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 134, यानी कि 30 में 4 ऐड किया तो क्या बना? 34। अब 34 को 100 में ऐड किया तो क्या बना? 134, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, 134। ये तो आपका फर्स्ट। अब सेकंड देखिए, यहाँ 1 स्लाइड है, 1 स्लाइड में कितना हुआ? 100। 2 स्लाइड है, दोनों में कितना हुआ? 200, तो हमने लिखा 200। यहाँ देखिए, 2 छोटी छोटी स्लाइड है, ईच स्लाइड कंटेन 10 ब्लॉक्स, यानी एक स्लाइड में 10 ब्लॉक्स हैं। तो 2 स्लाइड में कितने हो जाएंगे? 2 टेंस। 2 टेंस का मतलब क्या होता है? इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 भी बोल सकते हो और 10s भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए, 6 छोटे छोटे ब्लॉक्स है, तो 6 वंस, यानी कि 1s कितने हैं? 6 टाइम है, तो इसको 6 वंस का। अब ठीक वैसी HTO, यानी 1s, 10s, 100। तो यहाँ 6 की पोजीशन 1s में थी, तो यहाँ 1s के नीचे 6 लिखा। यहाँ 2 की पोजीशन 10s में थी, तो हमने 10 के नीचे 2 लिखा। यहाँ वापस से 2 की पोजीशन 100 में थी, तो हमने 100 लिखा। अब अगर आपको रीड करना है तो क्या रीड करोगे? 226। तो इसका हम वर्ड्स में क्या रीड किया हमने? इसको 226। तो बच्चों, आपको नेक्स्ट ये वाला से नेक्स्ट और ये आपको खुद से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैंने 2 एग्जांपल आपको अच्छे से समझाए। ये आपको खुद रीड करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है। आगे देखिए, एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज में आ गए हम, फिल इन द मिसिंग नंबर्स एंड रीड देम अलाउड। यानी कि यहाँ एक स्लाइड बनाई, बड़ी सी स्लाइड है, और इस स्लाइड में क्या हुआ है? कुछ नंबर्स मिसिंग हो गए, हमें उन मिसिंग नंबर्स को राइट डाउन करना है। अब बच्चों, आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा 100 का, यानी 100 वन से है 200, यानी ये पूरे स्लाइड में कितने ब्लॉक्स हैं? 100 ब्लॉक्स है, जैसा कि हमने अभी उन्हीं स्लाइड्स में पढ़ा था। यहाँ देखिए, 101, तो 101 के बाद में जाहिर सी बात था 102 आएगा, 103 के बाद में 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। अब यहाँ 10 के बाद में क्या होता है? 111,
112 है, 113, 114, अब नेक्स्ट क्या आया 115 के बाद में 116 के बाद में आएगा 117 के बाद में क्या 118 के बाद में 119, अब आगे 121, 122, 23, 124, 24, 125, 126, 127, 128, 129, यहाँ क्या आएगा 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, तो बच्चों आज आपको अपनी नोटबुक में ये स्लाइड अच्छे से राइट डाउन करनी है एज इट इज़, और आपको होमवर्क में स्लाइड बी सी और डी राइट डाउन करनी और फिलअप करनी है। सो हैव अ नाइस डे।